न्यूज़ बिहार दिल की बात जनता के साथ। आज हमारे साथ गोपालपुर विधान सभा के जो गोपालपुर विधानसभा के जिला पार्षद जी है, इनसे कुछ जानकारी लेंगे। बार बार इनसे हम इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, बार बार दिखाते हैं। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर इनसे आए, कुछ जानेंगे आखिर ये क्या करवा रहे 15 अगस्त के शुभ अवसर पर स्कूल में, हर एक जगह कॉलेज में, और क्या है इनसे मैडम आज हम जानेंगे। सर मैडम, सर हमारे चैनल आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। मैं नवछिया जिला पार्षद नंदनी सरकार स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के सभी देशवासियों को, देश प्रेमियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैडम बताइए, आप इतने दिन से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैडम क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या क्या स्कूल में कार्यकर्ता चल रहा है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? स्कूल में तो हमारे बच्चे अभी हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है 76 साल पूरा कर चुका है, हम लोग 77 साल का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और पूरे भारत में अमृत महोत्सव मन रहा है और बच्चों में बहुत उत्साह है। हमारे बच्चों में उस स्कूल के, हमारे यहाँ जो अभी जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल चलते हैं, कुछ कोचिंग संस्थान चलते हैं, तो मैं जो देखती हूँ अभी जो हमारा कोचिंग संस्थान चल रहा है, हमारे युवा पीढ़ी जिसको कि नौकरी सर्विस नहीं हुआ तो एजुकेशन अपना वो रास्ता बना लिए, अपना जो है, अपना जो उनका जो टैलेंट है वो बच्चों में बांट रहे हैं। बहुत ऐसे स्कूल हैं हमारे यहाँ, जैसे कि हमारे कदवा में मान्या पब्लिक स्कूल है, अनुराधा है, ये सब टॉप है। हमारे ढोलबज्जा में आपका 2-3 स्कूल हमारे ढोलबज्जा में है। तो हमें जो हम देख रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और इसलिए हैं वहाँ के जो टीचर हैं, मैंने कि वहाँ पर छोटा छोटा कार्यक्रम करवा रहे हैं, पुरस्कार वितरण करवा रहे हैं। पुरस्कार वितरण होने पर बच्चों में एक उत्साह आता है, जैसे कि बचपन में हमें भी एक कलम मिला था, उस समय बड़ा उत्साह हुआ था कि मैं ए मेरे वतन के लोगों एक गाना गाया था, उसमें हमको प्राइज मिला था 51 रुपया और एक कलम, एक डायरी जो बहुत दिन तक हमने संभाल करके रखा। तो वहीं से एक मतलब प्रोत्साहन होता है बच्चों में, ये सब चीज होनी चाहिए। तो मैडम ये बताइए कि कल जो मतलब तिरंगा जो लगाया जाएगा उसमें आप जाएंगे देखने के लिए, किस हिसाब से वहाँ आप मतलब करेंगे बच्चों के साथ वहाँ जा करके देखे सुनेंगे मैडम? हमारा बहुत जगह प्रोग्राम है जी, कदवा प्रताप नगर में एक कोचिंग संस्थान चलता है शकुंतला एकेडमी, वहाँ पर बच्चों को पुरस्कार वितरण करना है और वहाँ पर कुछ क्विज प्रतियोगिता रखा गया है, उसका उद्घाटन भी हम ही को करना है। हम सब जगह जाते हैं, हमको पूछे अथवा नहीं पूछे, फिर भी हम उस स्कूल में बच्चों को प्रोत्साहन के लिए हम जाते हैं और उनको प्रोत्साहन करते हैं। और देश प्रेम का भावना तो हर बच्चों को होना चाहिए अपने देश के प्रति। और हमारे अभी जो 77वां स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग देश में मना रहे हैं, अमृत महोत्सव है, हर घर तिरंगा लगना है, हम लोग हर घर प्रेरित कर रहे हैं कि हर अपने हर घर में, अपने छत पर, जहाँ भी है, अपने दरवाजे पर एक तिरंगा जरूर लगाएं। मैडम बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, कल किस हिसाब से मनाएगा और क्षेत्र में और रास्ते में जो मैडम जाएगा ये मान तिरंगा लहराने के रोड पे जाएगा और गाड़ी वगैरह जाता है उसमें आप क्या कहेंगे बच्चों को किस हिसाब से चलना चाहिए? नहीं, बच्चों को तो हम बोलेंगे ही, उसके बाद उनका जो अभिभावक है, स्कूल के जो टीचर हैं, उन्हें सावधानी रखने की जरूरत है, बच्चे पर ज़्यादा रिगार्ड करें और जहाँ मेन हाईवे वगैरह है वहाँ पर जुलूस ना निकालें, अपने क्षेत्र में हो गया, मार्केट में हो गया, अपने गली मोहल्ले में निकालिए और तिरंगा का उत्सव मनाइए आप लोग शांति तरीके से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।